दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं प्लेलिस्ट का, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेता हूँ। YouTube चैनल ओपन करने के लिए आपको पता है कि बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पर सर्च बार में studio.youtube.com को टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम चैनल को ओपन करेंगे तो हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमें प्लेलिस्ट की ऑप्शन मिल रही है, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपने प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं वो सब आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो सबसे ऊपर फर्स्ट पे है यूट्यूब अर्निंग कोर्स, मैं इस प्लेलिस्ट को रीनेम करूँगा। तो रीनेम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर जैसे ही मैं अपने कर्सर को रखूँगा तो यहाँ पर मुझे एक पेंसिल का साइन नज़र आ रहा है। बेसिकली ये है एडिट इन यूट्यूब। अगर आपके पास ये पेंसिल की ऑप्शन नहीं आ रही, एडिट इन यूट्यूब की ऑप्शन नहीं आ रही, तो प्लेलिस्ट के बिल्कुल सामने एक आपको ऑप्शन मिल जाएगी एडिट की। तो आपने सिंपल उस एडिट की ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये पेंसिल की जो ऑप्शन है एडिट इन यूट्यूब, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेलिस्ट का नाम है यूट्यूब अर्निंग कोर्स, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के नाम के साथ बिल्कुल आपको एक और पेंसिल का साइन नज़र आ रहा है एडिट टाइटल के नाम से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहले वाला नाम है उसको मैं यहाँ पे सिंपल रिमूव कर देता हूँ और अब मैं टाइप करता हूँ जो मैंने इसका रीनेम करना है, जो भी नया नाम रखना है उसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को मैं रीनेम करूँगा सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस डाउनलोड। आपने भी जो नया नाम उस प्लेलिस्ट का रखना है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जब आप अपनी प्लेलिस्ट का रीनेम टाइप कर लें तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी कैंसिल और सेव की, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका जो रीनेम किया होगा प्लेलिस्ट का नाम वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो दोबारा जब आप अपने चैनल को ओपन करेंगे तो आपको जो रीनेम किया होगा उसी नाम के साथ आपको अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।